मुरादाबाद के टाउन हॉल स्थित पुराना अस्पताल में कोरोना वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें स्थानीय नागरिकों के साथ रोटरी क्लब ब्रास सिटी स्टार के सदस्यों ने पहुंचकर वैक्सीनेशन कराया और सभी को जागरूकता के संदेश दिए। पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में तेजी के साथ कोरोना वैक्सीनेशन कराया जा रहा है और सभी से अपील की जा रही है कि वे सरकारी केंद्रों पर पहुंचकर निःशुल्क वैक्सीनेशन कराने का काम करें। सरकार का ये उद्देश्य है कि कोरोना वायरस जैसी खतरनाक बीमारी से सभी को निजात मिले और सभी लोग स्वस्थ रहें। इसी उद्देश्य को लेकर मुरादाबाद जनपद में सरकारी केंद्रों व प्राइवेट केंद्रों पर कोरोना वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। रोटेरियन अनुज अग्रवाल ने बताया कि आज हम सब रोटेरियन यहां पर वैक्सीनेशन कराने पहुंचे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे सभी रोटेरियन सदस्य स्वस्थ रहें और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन कराया जाए। रोटरी क्लब मुरादाबाद ब्रास सिटी स्टार्स की ओर से मंडल 3100 के रोटेरियंस के लिए आज हमने स्पेशल कोरोना वैक्सीनेशन कैंप यहाँ पुराना महिला अस्पताल टाउन हॉल मुरादाबाद में आयोजित किया है। और यहाँ का जितना भी हॉस्पिटल का स्टाफ है, डॉक्टर रेशमा जी के साथ, वो सभी लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं और बहुत ही तन्मयता के साथ सभी नागरिकों की और रोटेरियंस की विशेष रूप से सेवा में लगे हुए हैं। सही गिनती तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन हमारे यहाँ लगभग 35 से 40 लोगों ने अभी तक वैक्सीनेशन करा लिया है और हमारा टारगेट 100 रोटेरियंस का वैक्सीनेशन कराने का आज है। जिस प्रकार कोरोना का फैलाव इस समय पूरे समाज के लिए खतरा बना हुआ है, हम सभी को आगे बढ़कर जो लोग 45 साल से ऊपर की आयु के हैं और एलिजिबल हैं, उन्हें इस वैक्सीनेशन को जरूर कराना चाहिए। यह हर तरीके से सेफ है और हमारे प्राण की रक्षा के लिए जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर रेशमा का ये कहना है कि यहाँ पर सभी को वैक्सीनेशन कराने के लिए कार्य किया जा रहा है और सभी से कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करने के लिए भी अपील की गई है। कौन से अस्पताल में क्या कार्यक्रम किया जा रहा है? यहाँ UPSC टाउन हॉल में कोविड वैक्सीनेशन किया जा रहा है, जहाँ पे आम जनता 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए और रोटरी क्लब के लिए आज हमने एक कैंप लगाया है, जिसका यहाँ पे वैक्सीनेशन हो रहा है। अभी तक तो अगर टोटल हम देखें तो लगभग 120 लोगों को लग चुका है, जिसमें से रोटरी के लोगों को 30 से 35 लोगों को भी लग चुका है वैक्सीन। ये कार्यक्रम हमारा जिस दिन से वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है 16 जनवरी से, तब से चल रहा है और ये लगातार चल रहा है। जैसे भी ऊपर से ऑर्डर आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये प्रोग्राम चलाते रहेंगे। आप महानगर जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं लोगों से ये अपील करना चाहूँगी कि कोविड वैक्सीन सभी के लिए सेफ है। 45 साल से ऊपर के जिन्हें कोई भी सिम्टम नहीं है, बुखार खांसी या जिनको BP शुगर भी है, जो स्टेबल हैं, अपनी दवाइयाँ ले रहे हैं, वो ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। ये पूरी तरह सुरक्षित है। अधिक से अधिक वैक्सीन लगवाइए और कोरोना के फैलाव को रोकिए।